एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। सो गाइस, मॉर्निंग में उठ के आज तो मैंने पूजा की है और ये सारे काम वाम करके नाश्ता वाश्ता बना के मैंने अपना थायराइड मेडिसिन ले लिया था और डिटॉक्स भी ले लिया है। अब टाइम है मेरे फर्स्ट मील का, तो मैंने फर्स्ट मील में क्या लेना है आज मैं आपको दिखाती हूँ। वेट चढ़ा, तो मैं ले रही हूँ बनाना। वैसे रुचिता मैम ने बोला है कि बनाना खाना नवरात्रों में अच्छा होता है हेल्थ के लिए, प्लस कच्चे बनाने भी जो होते हैं ना वो भी बहुत हेल्दी होता है, तो उसकी सब्ज़ी ज़रूर इंक्लूड कीजिए अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो, और नहीं भी कर रहे हैं ना तब भी करिए। तो मैं आज, वैसे मेरा गला ख़राब हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन मैं फिर भी बनाना खा रही हूँ। कभी कभार खा लेना चाहिए। मुझे वैसे बनाना पर्सनली बताऊँ तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी खा रही हूँ बस इसीलिए खा रही हूँ। खाना है, पड़ा है तो खा रही हूँ बस। तो मैं भी अपना वेट चेक नहीं कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं वेट ना अपना नवरात्रों के बाद ही चेक करूँगी, तो उससे मुझे पता चला कि मेरा कितना वेट है। कि नवरात्र किसे एक दिन पहले मैंने आपको अपना वेट दिखाई दिया था, इट वॉज 56.30, और अब नवरात्रों में मेरा कितना वेट लूज़ होता है वो आपको नवरात्रों के बाद पता चल जाएगा। बाकी अब मैं अपना मील नंबर वन इन्जॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। लेकिन आपको करना है इतनी देर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक, मेरी वीडियो को शेयर, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बोलना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दो। कुछ नहीं है भी बोलने को है तो हार्ट ड्रॉप कर दो, नहीं तो जय माता दी लिख दो। तो ठीक है गाइस, अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट तो क्या बोलूँ, 11:30 बज रहे हैं, तो इस टाइम पर जो भी होगा ब्रंच ही होने वाला है, मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच होने वाला है। तो मैंने बनाई है फिर से साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि कल साबूदाना ज़्यादा सोख हो गए थे, तो वही वाले साबूदाना थे। इसमें मैंने आलू डाला है, पीनट्स डाले। इसकी रेसिपी कल के वीडियो में मैंने दिखाई थी, तो वहाँ से भी देख सकते हो कि मैं कैसे बनाती हूँ। हरा धनिया ऊपर से डालो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हरा धनिया मिला नहीं मुझे, तो इसीलिए ऊपर से मैंने थोड़े से ग्रेट करके ना कच्चा नारियल जो होता है वो भी डाला है, साथ में मेरी चाय। तो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। टेस्ट करके बता दूँ कैसा लग रहा है। यम। कपड़े निकालोगे, शूज निकालोगे, बस दूध लाओ मम्मी, दूध लाओ। जाओ, क्यों दूध लाओ? जाओ, जाओ, हेलो, और क्या बोलते हैं? सो गाइस, कैसे हो आप सब? गुड बॉय। आपसे नहीं, आप पूछो सबसे। सो गाइस, कैसे हो? गुड बॉय। आप नहीं, आप फोन में सबसे पूछो आप कैसे हो। मैं गुड बॉय। इधर तुमको समझ में नहीं आता ना, चलो अच्छा आ जाओ। संस्कृति क्या कह रही थी? बच्चे गुस्सा दिखा रहे। संस्कृति गुस्सा दिखा रही थी? हाँ। क्यों? मुझे प्यार नहीं करते। तुम्हें प्यार नहीं करती? नहीं। हाँ, क्यों नहीं प्यार करती? वो गुस्सा दिखा रहे। क्यों, तुमने कुछ किया था? नहीं। तुमने क्या किया था? शैतानी। संस्कृति के साथ शैतानी की तुमने? हाँ। तभी तो गुस्सा दिखा रही थी वो। हाँ? वो दिखा रहे। क्या मामा रोने सीना। हेलो गाइस, कैसे आप सब? गुड बॉय है। क्या बोला? देखी सची जी देखी। हाँ। और सब देखे। क्या देखा? सची जी भगवान। अच्छा क्या देखा इन लोगों ने?
मैम ने डांटा? हाँ। क्यों डांटा? टाइम हो चुका है आफ्टरनून वाला, मतलब आफ्टरनून का, और मैं सोच रही हूँ कुछ खा लिया जाए फ्रूट्स में। कुछ हैवी तो उन्होंने नहीं बनाया अपने लिए, तो मैंने फ्रिज ओपन किया, फ्रिज की लाइट है जो मेरे फेस पर आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा पपाया खा लिया जाए। जाओ निकल जाओ, तो हम खाएंगे पपाया। मैंने थोड़े से चावल सोक कर दिए हैं क्योंकि आज मैं थोड़ी सी खीर बनाऊंगी अपने लिए डिनर में, तो बिल्कुल थोड़े से कि ताकि अपने मेरी भर की खीर बने, ज़्यादा ना बने। लड्डू कर रहे हैं यहाँ पे होमवर्क। हेलो करो। नहीं कर दो, बैड मैनर्स। हम बैड मैनर्स, गंदी बात। सबको हेलो कर दो। हवा। और मैं आई हूँ अपने फ्रूट्स को फिनिश करने, मतलब अपना फ्रूट मिल लेने के लिए, जो कि है ये। लंच में मैं कुछ जानबूझ कर नहीं बनाती हूँ क्योंकि फिर लंच कर लूँगी तो ना डिनर करने का मन नहीं करेगा, और लंच क्या करूँ, मैं ऑलरेडी ब्रंच करके बैठी होती हूँ। ब्रंच मतलब ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा लेट किया, तो वो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों में काउंट हो जाता है, तो बस इसी वजह से। मम्मी देखो, तो मेरे प्यारे दोस्तों, बताए सो गाइस, मेरा बेटा पूछे था कॉपी करने लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सो एनीवेज, टाइम हो चुका है, एक मिनट, 4 बज रहे हैं इस टाइम पर, तो मैं पी रही हूँ चाय क्योंकि हस्बैंड आज घर पर ही है, तो उन्होंने बोला कि चाय बना दो, तो मैं उनके लिए चाय बना के दे चुकी हूँ, तो मैंने सोचा मैं भी पी लेती हूँ। तो मैंने चाय के साथ में क्या लिया है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरी चाय जिसमें थोड़ी सी मैंने मलाई डाली है क्योंकि मेरा मन किया था, और ये है कुछ ड्राई फ्रूट्स, मतलब मखाने हैं, आलमंड्स हैं, पीनट है, और इसके अंदर है काजू। तो अब मैं अपनी चाय फिनिश करती हूँ, साथ में अपने ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, और आपसे मिलूँगी मैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, मैं डिनर बना चुकी हूँ, टाइम हो रहा है 7:30 हो गया एक्चुअली। तो डिनर में मैंने आज क्या बनाया मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने प्रॉपर खाना बनाया, मीठा भी है, सब्ज़ी भी है, रोटी, मतलब रोटी भी है, सैलेड भी है, सब कुछ है, तो आपको दिखाती हूँ। पहले आप देख लीजिए कि मैं खा क्या रही हूँ। सो गाइस, ये मैंने बनाए हैं वो जो व्रत वाले चावल होते हैं ना, उसकी खीर है जिसमें मैंने खजूर डाला है थोड़ा सा मीठा करने के लिए। चीनी भी डाली है वैसे, लेकिन चीनी बहुत कम डाली है, खजूर डाल दिया थोड़ा सा, 2-3। और ये है आलू टमाटर की और धनिये की सब्ज़ी जो कि बहुत ही यम लग रही है देखने में। तो साथ में कुट्टू की 2 रोटियां हैं। इसके आटे के अंदर ना मैंने थोड़ा सा, एक छोटा सा आलू भी मैश कर दिया था, सिर्फ इतने ही मैंने आटा गूंदा कि 2 ही रोटियां बने, और बिल्कुल ज़रा सा घी लगा के इसको मैंने तवे पर सेक लिया। और ये है मेरे सैलड यानी कि खीरा। तो बस, आप लोगों ने अपने डिनर में, अपने व्रत में क्या खाया है आज, तो मुझे जब आपको ये वीडियो मिलेगी ना, उस दिन आपने क्या खाया होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अब मैं अपना डिनर फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ डिनर करने के बाद। गुड नाइट तो बोल दो। गुड नाइट। गुड नाइट दोस्तों। गुड नाइट दोस्तों। कल मिलेंगे। बाय बाय। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ रेनू एंड मी ट्राइंग रिजिता दिवेकर इंस्पायर डाइट प्लान फॉर वेट लॉस फॉर हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल। और आज है नवरात्रे, और नवरात्रों का आज 4th नवरात्रे है, तो हैप्पी नवरात्रे टू ऑल ऑफ यू। जब तक नवरात्रे हैं मैं तब तक बोलूँगी, और जय माता दी। सो आज 4th नवरात्रे है, और पता है आज क्या हुआ, सुबह मैं उठी हूँ 6 बजे, मुझे किसी चीज़ की, मुझे ना आपको मैं बता दूँ, जो लोग मुझसे थोड़ा नए जुड़े हैं, जिन लोगों को ज़्यादा नहीं पता है मेरे बारे में, तो मुझे कई सारी चीज़ों से एलर्जीज़ हैं। एलर्जीज़ मतलब खाने से नहीं, जो हमारे एनवायरमेंट में चीज़ें हैं ना, जैसे कि
कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो फ्रेग्रेंस होती है मुझे उनसे एलर्जीज हैं, मुझे धुएं से एलर्जी है, जैसे कि हम पूजा करते हैं तो धूप बत्ती का धुआं लगता है ना, उससे मुझे एलर्जी है, या हवन कुंड का जो हवन का धुआं निकलता है ना मुझे उससे एलर्जी है, या कोई बाहर लकड़ियाँ जला दे, या लोग, आपने कई बार देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, पूरे रोड का कूड़ा इकट्ठा करके साइड में करके जला देते हैं, तो वो जो धुआं निकलता है ना मुझे उससे एलर्जी। आज मॉर्निंग में पता नहीं किसी ने घर के किस कोने में कहाँ पे, पर मुझे पता ही नहीं चला कि किसी ने कूड़ा जला के रखा हुआ था, और वो उसकी जो स्मेल थी ना वो इतनी तेज़ मुझे लगी है, मुझे छींकें शुरू हो गई। मुझे 5 सेकंड नहीं लगा छींकें स्टार्ट होने में, मेरी नोज़ पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी। मैं बता नहीं सकती हूँ, जिनको एलर्जीज है उनको पता होगा कि एलर्जीज़ में कितना ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। मैंने हस्बैंड के लिए लंच ब्रेकफास्ट कुछ नहीं बनाया, तो मेरे उसके बाद मैं आके लेट गई, लेकिन मेरी जो मेडिसिन थी ना अनफॉर्चुनेटली वो ख़त्म हो गई थी, मुझे पता भी नहीं था, तो मैं पहले से मंगा के रखती हूँ हमेशा एडवांस में, और वो ख़त्म हो गई, मुझे याद ही नहीं रहा था मंगवाना, और मॉर्निंग में मेरी हालत जो थी ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला लड्डू को भी स्कूल मत भेजो, लेकिन यार मैं ऐसी हालत में थी नहीं कि मैं उसको पूरे दिन कुछ खिला पिला पाऊँगी, और उसे खिलाने पिलाने में ना बहुत मेहनत लगती है, तो मैंने कहा कि मैं, मेरे बस की नहीं है, मैं से इसका लंच बनाकर, मैंने उसे बनाना शेक खिलाया और कुछ बना के खिला नहीं पाई, बनाना शेक खिलाया ब्रेकफास्ट में और उसे मैंने स्कूल भेज दिया, उसका जो भी उसका जो लंच होता है वो तैयार करके स्कूल भेज दिया, उसके बाद मैं आके सो गई। पता है अभी टाइम क्या हो रहा है, इट्स 12:20, 12:20 हो रहे हैं, मतलब 12 बजे मैं उठी हूँ और मैं नहा कर अभी जस्ट आई हूँ। मैंने आज पूजा भी नहीं की है, सिर्फ मत्था टेक लिया भगवान जी के आगे कि अब क्या कर सकते हैं ना, और कुछ नहीं खाया है, सो ही पड़ी थी मैं अभी तक, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं ना मेरे हस्बैंड ले आए थे, लड्डू को छोड़ने गए थे तो उन्होंने मंगवा ली थी किसी से, तो वो जो दवाइयाँ हैं ना वो इतनी स्ट्रांग है, उसमें इतनी तेज़ नींद आती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और वही बस नींद आती है तभी आराम भी मिलता है, तो उनको खा के मैं सो गई थी, और अभी मैं उठी हूँ 15-20 मिनट पहले, नहा कर कपड़े उपड़े चेंज किए हैं, कोम भी नहीं किए मैंने अभी तक, कोम करती हूँ जाकर, भगवान जी के आगे मत्था टेका है बस, और कुछ नहीं किया है, तो अब कुछ बनाती हूँ या फ्रूट्स खाती हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, तो चलो जैसा होगा आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। और एक चीज़ और, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो पूरा देखा करो, शेयर कर दिया करो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप कर दिया करो। तो चलो अब थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ। पत्थर लेकर आयो, 2 तारीख को उनको स्कूल जाना पड़ेगा। सो गाइस, टाइम हो चुका है कुछ खाने का, मैंने भी कुछ बनाया ही नहीं है, तो मैं क्या ही खाती, तो मैंने फ्रिज में देखा कि कल की खीर रखी हुई है, जिसे मैंने थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में किया है, तो मैं अब खा रही हूँ 1 बाउल खीर, और खीर को मैंने ज़्यादा मीठा चीनी से नहीं किया था, मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी और थोड़ा सा खजूर डालता है मीठा करने के लिए, तो दोनों ही इक्वली अमाउंट में पड़े हैं, और उतनी ज़्यादा मीठी है नहीं खीर। तो अब मेरा आज का फर्स्ट मील जाना है, अप्रॉक्स 12:40 हो रहा है, तो 12:40 पर मैं अपना पहला मील ले रही हूँ, जो कि है खीर, व्रत वाली खीर। ठीक है, तो अब मैं अपनी खीर फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। इधर देखो, हेलो बोलो सबको। अब क्या पी रहे हो, लड्डू? क्या लस्सी? दिखाओ जरा ग्लास में। अरे वाह, अच्छी है, टेस्टी है। मूछें कैसे बन गई आपकी, जो शीशे में देख कर आओ। इसे हटाओ, आप हटा लो, लो अब और पियो। हेलो गाइस, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आज जैसे मैंने आपको बताया कि आज है 4th डे ऑफ नवरात्रा, तो आज मेरा 4th दिन का फास्ट हो गया है। पता है अब ना थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ, आप लोगों से क्यों झूठ बोलना या क्यों आप लोगों के सामने अपने आप को बड़ा वो 30 मार्का दिखाना कि नहीं मेरे को तो कुछ फील नहीं हो रहा, आई एम वेरी ओके, तो ऐसा नहीं है, मुझे थोड़ा सा अब लो फील हो रहा है। लो इसलिए नहीं फील हो रहा कि मुझे कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है, लो मुझे फील इसलिए हो रहा है क्योंकि काम उतना ही है और उस टाइप का खाना हम खा नहीं रहे हैं जैसा हम रेगुलर खाते हैं, काम बल्कि बढ़ ही गया है मेरे को, एक एक्स्ट्रा काम हो ही गया है कि कुछ भी खाना बनाओ सबके लिए, उसके बाद फिर किचन पूरा साफ़ करो, सब कुछ क्लीन करके फिर अपने लिए कुछ बनाओ, तो काम मेरे लिए बढ़ गया है, लेकिन
इसीलिए शायद थोड़ा सा मुझे लो फील होने लगा है, मैं थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ। आप लोग के साथ ऐसा होता है क्या? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है। मैंने शायद ही कभी पूरे फास्ट किए होंगे, या इकट्ठे 4-5 दिन या 2 दिन भी फास्ट किया होगा। तो आज जैसे कि 4th डे हो गया है, तो मेरे को तो काफ़ी लो फील हो रहा है। आप में से किन जिन लोगों ने पूरे फास्ट रखे, कि आप लोगों को भी लो फील हो रहा है, और आप लोग क्या क्या खाते हो दिन भर में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना इस वीडियो के नीचे। तो हो सकता है कि मैं कुछ कम कर रही खा रही हूँ, या कुछ हो सकता है मैं कुछ कमी कर रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे भी हेल्प हो जाएगा। तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना कि आप लोग दिन भर में क्या क्या खाते हो, फास्टिंग में क्या क्या खाते हो, ठीक है। और बस एक तो ना बीमार, मतलब जब मुझे एलर्जीज हो जाती है ना, स्टमक एलर्जी का जो अटैक आता है ना, वो बहुत ख़तरनाक होता है। मतलब उस टाइम पर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हो। नॉर्मल कोल्ड जो होता है ना, उसमें आपको क्या होता है कि जुकाम हो गया, बस खांसी आ गई, छींक के आ गई बस। लेकिन ये जो एक्सट्रीम लेवल का जो कोल्ड हो जाए ना, उसका 100 टाइम्स मैं बोलूँगी उतना वैसा फील होता है। गले में पेन होने लगता है, नाक में पेन होने लगता है, ये पूरा एरिया इतना इरिटेटिंग हो जाता है ना, ये पूरा एरिया लगता है कि यहाँ पे चींटियाँ चल रही हैं और खुजली हो रही है, आँख से पानी, और मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग सी एक चुभने वाला पेन सर में, बहुत ही अजीब सा हो जाता है। तो उसकी वजह से भी शायद मैं लो फील कर रही हूँ, या पता नहीं फास्ट की वजह से कर रही हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा लो फील कर रही हूँ। तो आज मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगी, और आज का जो वीडियो है वो मतलब डे नंबर 14 और 15 का मैं वीडियो कंबाइन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। डे नंबर 14 ना 13 15 और 16 का शायद, या 14 और 15 का, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, आपको टाइटल में समझ में आ जाएगा कि कितने दिन का मैं वीडियो आप लोग 2 दिन का साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि आज मैं प्रॉपर तरीके से शूट करूँगी नहीं। 1 मिनट तो, और तो वीडियो बहुत छोटी बनेगी, फिर छोटी वीडियो पोस्ट करने से बेटर है कि आप दो दिन को ऐड कर दो, थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन जाए। लेकिन ठीक है, तो अब बस वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि मैं थोड़ा सा आज लो फील कर रही हूँ। आप क्या कर रहे हो लड्डू? फिश पकड़ रहे। फिशिंग करने आए हो? नहीं, फिश। फिश? हाँ। कहाँ है फिश, दिखाओ। ओह माय गॉड, ये तो बलून फिश है। तो शाम को मैंने खाए थे मखाने रोस्ट करके, थोड़े से घी और थोड़े से सेंधा नमक के अंदर रोस्ट। उसके साथ में मैंने लिया था चाय, जो कि मेरा और मतलब हमेशा का फेवरेट है। साथ में डिनर में मैंने आज बनाया था दही और ये क्रिस्पी वाले आलू। दही में मैंने चीनी डाल के उसे मीठा करके फेंट लिया था, और ये क्रिस्पी आलू हैं, इससे मैंने हल्के से तेल में क्रिस्पी कर लिए थे, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर, और इसको गरम गरम क्रिस्पी क्रिस्पी, मतलब आप इसे दही में डाल के खाओगे ना तो बहुत ही यम लगता है। मीठी दही और नमकीन आलू, बहुत ही अलग ही कॉम्बिनेशन है, एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, बिल्कुल चाट पापड़ी वाला मतलब टेस्ट देते हैं। और हाँ, एक चीज़ इसका ध्यान रखना, जब आप खाएं ना तभी आलू मिक्स करें, ताकि आलू का क्रिस्पीनेस बना रहे। सो गाइस, मैं अभी वीडियो एडिट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो एंड भी कर दें, मॉर्निंग का क्यों वेट करना डेली कि मॉर्निंग में ही मेरा वीडियो एंड होगा तभी दूसरा वीडियो स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं करेंगे आज हम। आज ही वीडियो को एंड अभी का भी करेंगे। और एक चीज़ और, कि जो वीडियो है ना थोड़ी सी लंबी ज़्यादा हो गई, क्योंकि इसके अंदर मैंने 2 डेज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, एक जो कल जा चुका है वो, और एक आज, मतलब ये 2 दिन की वीडियो कंबाइन होकर आपको मिलेगी। टाइटल से आप समझ जाएंगे किन 2 दिनों की वीडियो है। डे नंबर 3, नवरात्रा नंबर 3 और नवरात्रा नंबर 4, ये दोनों आपका मिक्स करके आपको मैं एडिट करके अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में कि एलर्जीज़ की वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। और पता है, अब ये एलर्जीज़ वाला सीन ना आपको आए दिन सुनने को मिलेगा, क्योंकि अब हो रहा है सीज़न चेंज, और जब भी सीज़न चेंज होता है ना, तो जिन लोगों को एलर्जीज़ होती है, एलर्जीज़ की प्रॉब्लम होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करती है और बहुत ज़्यादा उभर कर आ जाती हैं। तो इस टाइम पर ना, मतलब मुझे अब ये टाइम थोड़ा सा ना अनकम्फर्टेबल फील करवाता है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जब मैं आए दिन बीमार पड़ती हूँ, और बीमारी ऐसी नहीं है कि जो मैं कुछ चीज़ को कंट्रोल कर लूँ तो वो ठीक हो जाएगी। बीमारी ऐसी है कि जो लोग मेरे आजू बाजू लोग जो रहते हैं ना, उनकी वजह से वो मुझे होती है। जैसे कि अभी नवरात्रे हैं, तो मैं तो चलो अभी पूजा कर रही हूँ, तो उसका धुआं मुझे जा रहा है। धूप बत्ती नहीं तो लगानी कंपलसरी होती है, पूजा फास्ट कम से कम फास्टिंग टाइम पर तो लगा ही सकते हैं। उसका धुआं मेरे अंदर जाता है तो मुझे वो भी दिक्कत होती है। मैं रात में शाम को आरती करती हूँ, उसकी भी दिक्कत होती है। फिर अब ठंडियाँ आएंगी, लोग आग जलाएंगे और
लोग कूड़ा इकट्ठा करके जला देते हैं, बाकी जो पॉलन होता है उससे, डस्ट होता है उससे, जो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है उससे, मुझे इन सब चीज़ों से दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ तक कि मेरे घर में एक पेट है जिसका नाम ऑस्कर है, जिसको मैं अपनी वीडियोस में ना के बराबर ही लेती हूँ। उसका रीज़न यही है कि मैं उसके आसपास भी नहीं जाती हूँ। इवन वो बाहर जिस एरिया में बैठता है मैं वहाँ पे झाड़ू भी नहीं लगाती हूँ। वहाँ का एरिया तो हस्बैंड साफ़ करते हैं, अदरवाइज पानी डाल के साफ़ करती हूँ। झाड़ू लगाने से भी उसके जो बाल है ना वो एयर में आएंगे और वो मेरी नोज़ में जाएंगे, या उनकी स्मेल की वजह से भी मुझे वापस से एलर्जी स्टार्ट हो सकती है। वैसे तो मेरे डॉक्टर ने कहा था कि घर से पेट बिल्कुल हटा दो, लेकिन जिसको बचपन से पाला है उसे आप कैसे निकाल सकते हो। तो बस वही रीज़न है कि वो मेरे घर पर है, जब तक है वो है, उसके बाद मैं कोई पेट नहीं रखूँगी अपने घर में मैंने, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहते कि अब मेरे घर में कोई दूसरा पेट आए। मेरी बीमारी भगवान ने ऐसी दे दी। और मेरे डॉक्टर ने बोला है कि जो एलर्जीज होती है ना उससे आप बचने का ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसका परमानेंट क्योर है ही नहीं, परमानेंट इलाज है ही नहीं। तो जब मौसम चेंज हो आपको रेगुलर बेसिस पे दवाई खानी है, लेकिन एक होता है ना कि आप कब तक दवाई खाओगे, तो इसीलिए मैं समटाइम मिस कर देती हूँ, और जब मिस कर देती हूँ तब मुझे ऐसा हो जाता है। तो अब आ गया है सीज़न बीमारियों वाला। नहीं बीमारी नहीं, मैं इतना ध्यान रखूँगी और मैं ट्राई करूँगी मैं डेली डेली दवाई खाऊँ। एनीवेज वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, तो अब मैं करूँगी वीडियो का एंड, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। तो आप मिलूँगी आपसे कल विद अ न्यू वीडियो, विद अ न्यू डे, विद अ न्यू स्माइल। तो बाय एंड टेक केयर।